नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा। मौजूद वक्त हो गया अपना एमपी का, शुरुआत कर रहे हैं मोहन कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों की खबर से। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्ती का बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को बेहतर करने के लिए 46,491 नए पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। तृतीय चतुर्थ श्रेणी और पैरा मेडिकल के पद पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा 1,214 पदों को प्रमोशन और सीधी भर्ती से भरा जाएगा। कैबिनेट ने अलग अलग क्षेत्रों में दी जा रही सब्सिडी के लिए 24,420 करोड़ की राशि को स्वीकृत कर लिया है। इसके अलावा हाइड्रोलिक गाड़ियों के खरीदने का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया गया है। सड़क हादसे में घायल होने वाले गौवंश को इन हाइड्रोलिक गाड़ियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया जाएगा। जो भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक स्थापित किए गए हैं उसके अंतर्गत नवीन पदों के सृजन की बात आई थी, तो उसमें लगभग 46,491 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। इसमें तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और पैरामेडिकल स्टाफ है, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य सेवाओं में चिकित्सक के अतिरिक्त जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनके भी पदों को सृजन देकर स्वास्थ्य सेवाओं को उन्नत बनाने का जो प्रधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी उसको करने का निर्णय आज लिया गया है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, तमाम सवाल उठते रहते थे राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कि अस्पताल की इमारत तो है लेकिन स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। उन सवालों को अब उम्मीद करते हैं कि जवाब मिलेगा, समाधान होगा समस्या का। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अस्पतालों की जो तस्वीरें सामने आती थी कि कहीं डॉक्टर नहीं है तो कई जगह पैरा मेडिकल स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ नहीं होने की वजह से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार ने आज की कैबिनेट में एक बड़ा निर्णय लिया है। देखिए, दो स्तर पर ये भर्तियाँ की जानी है। 1214 जो है वो डॉक्टर्स की भर्ती की जानी है, जिसमें आधी भर्ती जो है वो सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से होगी और इसके साथ ही आधी भर्तियाँ जो है प्रमोशन के माध्यम से होगी। तो देखिए, प्रदेश में डॉक्टरों की कमी पूरा करने के लिए 1214 पद जो है वो नए सृजित किए गए। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो पैरामेडिकल स्टाफ की या अन्य टेक्निकल स्टाफ की, तो लगभग 46,000 से अधिक जो पद हैं उनको उन पर भर्ती के लिए आज स्वीकृति कैबिनेट में मिल गई है। तो मध्य प्रदेश के अस्पताल में अब पर्याप्त मात्रा में पैरामेडिकल स्टाफ भी हो जाएगा और उसके साथ ही जो टेक्निकल स्टाफ है, खासकर देखिए लैब टेक्नीशियन को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं कि जांचें पूरी नहीं हो पाती, मशीनें तो सरकार ने खरीद ली लेकिन उनको संचालित करने वाले लोग नहीं है, तो उस स्तर पर भी काम किया जा रहा है। वार्ड बॉय को लेकर भी काम किया जा रहा है। तो देखिए, जो 46,000 पद हैं इसमें पैरामेडिकल स्टाफ रहेगा, इसके अलावा तृतीय श्रेणी के कर्मचारी रहेंगे और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रहेंगे। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से लगातार मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं लेकिन उनमें पर्याप्त स्टाफ नहीं था, या जो जिला अस्पताल है वहाँ से भी इस तरह की जो खबरें आती थी कि स्टाफ ना होने के अभाव में मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है, तो इन्हीं सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने आचार संहिता लगने के बाद जो जब खत्म हुई और उसके बाद ये पहली कैबिनेट बैठक हुई थी, और पहली कैबिनेट में दो बड़े फैसले जैसे काम काज सकता है, एक तो स्वास्थ्य विभाग में बंपर भर्तियों को लेकर, दूसरा जो है मध्य प्रदेश के किसान हो या फिर गरीब जो लोग हैं उनके लिए बिजली की सब्सिडी के लिए एक बड़ा अमाउंट लगभग 24,000 करोड़ की जो राशि है वो स्वीकृत कर दी है। तो न केवल मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ होगा इस सब्सिडी से बल्कि जो आम लोग हैं, जो छोटे उपभोक्ता हैं जिनको भारी भरकम बिजली का बिल चुकाना पड़ता था, उनको भी बड़ी राहत मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी बातचीत के लिए। वही बड़वानी किसान खाद के लिए परेशान है। खाद विक्रय केंद्र में रात गुजारने को मजबूर हैं। सुबह जल्दी नंबर लगाने की नीयत से ये लोग रात में ही पहुंच जाते हैं। कई किसान तो 50 से 60 किलोमीटर दूर से रात को ही विक्रय केंद्र पर पहुंच रहे हैं। तपती गर्मी में किसानों को घंटों भूखे प्यासे इंतजार करना पड़ रहा है। मीडिया के दखल के बाद अधिकारियों ने टैंकर से पानी की व्यवस्था करने का भरोसा दिया, साथ ही जिले में पर्याप्त खाद होने की बात कही। पंकज शुक्ला बड़वानी से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पंकज, किसान खाद के लिए परेशान हैं लेकिन जो अधिकारी हैं, विभाग है, वो कह रहा है कि खाद पर्याप्त है। बिल्कुल, खाद की पर्याप्त होने की बात तो विभाग कर ही रहा है लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि
किसान को लेकर के जहां सरकारें इतनी सजग है और इतने नए जिस तरीके से योजनाएं निकालती है और उसका लाभ पहुंचाने की बात करती, लेकिन जमीनी स्तर पर जब अधिकारी इस तरीके की लापरवाही करते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि किसान इतनी दूर से आता है अपने संसाधनों को लेकर के, ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर के, उसके बाद इस बात की गारंटी नहीं रहती है कि उसे खाद मिल ही जाएगा। घंटों लाइन में खड़े होने के बाद जब अधिकारियों का समय होता है तो वो ताला लगा करके और उन किसानों को वहीं छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसे में किसानों के सामने बस एक ही चारा होता है कि वो रात वहीं गुजारें, और दृश्यों में हम साफ देख सकते हैं कि अपने अपनी पावती की फोटोकॉपियां रख करके उस पर पत्थर रखा हुआ है और अपने नंबर लगा रखे हैं, तो ये बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है प्रशासन की कार्यशैली पे। पढ़ना पंकज शुक्ला, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। राय से